एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम गर्ल श्वेता। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का रिव्यू जो है लैक्मे एब्सोल्यूट की तरफ से मूज फाउंडेशन। तो इसे मैं लगातार ट्राई कर रही हूँ 15 डेज से और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ क्या रहा है वो ऑनेस्ट ओपिनियन में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप ट्राई करना चाहते हो अपने लिए एक हल्का लाइट वेट कोई फॉर्मूला जो आपकी स्किन को सैटिन सिल्की लुक प्रोवाइड करे तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, अभी से लाइक कर दीजिए। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट के इस मूज फाउंडेशन का। देखने में पैकेजिंग तो बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस और प्यारी लगती है, कॉम्पैक्ट है, ट्रैवल फ्रेंडली है। इस तरह से इसकी एडवर्टाइजमेंट करीना कपूर खान करती है तो इससे एक अट्रैक्शन सा बन जाता है प्रोडक्ट रिलेटेड, और दिखने में भी बहुत ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग आपको इसकी मिल जाती है। तो कुछ इस तरह की ब्लैक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट रिसीव होता है, लैक्मे एब्सोल्यूट स्किन नेचुरल मैट रियल मूज फाउंडेशन, जो काफ़ी लाइट वेट फॉर्मूला है और इसके ऊपर आपको टोटल जानकारी जो है मेंशन मिल जाती है। ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, 750 इसकी MRP है, 25 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिल जाती है एंड इसकी शेल्फ लाइफ 2 ईयर्स की है। और ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का प्रोडक्ट है, आपको किसी भी लैक्मे के आउटलेट पर या फिर ऑनलाइन स्टोर्स पर ये आप इजीली अवेलेबल हो जाएगा या फिर किसी कॉस्मेटिक स्टोर पर भी ये आसानी से आपको मिल जाएगा। अच्छे खासे डिस्काउंट के साथ ऑनलाइन ये प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं तो एक बार साइट को चेक ज़रूर कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन मिल जाएगी। इसमें टोटल 9 शेड्स अवेलेबल है जो इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं, तो आप आपके शेड्स के अकॉर्डिंग, आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग इसे चूज कर सकते हो। तो अगर पैकेजिंग की भी बात करें तो सिल्वर और ग्रे कॉम्बिनेशन में आपको एक क्यूट सा बॉल मिल जाता है जिसके अंदर आपको काफी अच्छी मात्रा में यानी 25 ग्राम में प्रोडक्ट क्वांटिटी मिल जाती है। ये ओपन हो जाता है इस तरह से एंड इसके साथ आपको एक सेफ्टी लीड मिल जाता है जिसे इस तरह से ओपन करना होता है इजिली। ये है एक्चुअल प्रोडक्ट। इसमें आपको टोटल 9 शेड्स अवेलेबल हो जाएंगे और इसमें मेरा जो शेड है वो है 03 गोल्डन मीडियम। एंड इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट की तो ये ना तो ज्यादा रनी है ना तो ज्यादा डूई है, ये मिडिल कंसिस्टेंसी में और बहुत ही सॉफ्ट कंसिस्टेंसी में आपको मिल जाता है। अगर आपने होममेड बटर को टच किया होगा तो जो फीलिंग आपको लगती है सेम उसी तरह का टेक्सचर आपको मिल जाता है इसमें, या फिर किसी वेट स्पॉन्ज को अगर आप पुश करोगे जब वो फीलिंग आएगी सेम आपको इसे छूने से लगती है। तो ये बहुत ही अच्छा और मतलब इंटरेस्टिंग लगा मुझे इसका पार्ट। आप देख सकते हो ये इस तरह से प्लम हो जाता है एंड प्रोडक्ट क्वांटिटी काफी कम लगती है यूज करने के लिए आपके फेस के ऊपर। मैं इसे तकरीबन 15 डेज से ट्राई कर रही हूँ, फिर भी इतना ही प्रोडक्ट अभी मेरा यूज हुआ है। देख लेते हैं ये प्रोडक्ट इस तरह से वह, तो बहुत ही कम मात्रा में आपको ये प्रोडक्ट लगता है। मैं आपको इसका टेक्सचर शो करती हूँ, बस आपको इतनी ही अमाउंट में प्रोडक्ट को यूज करना है आपके फेस के लिए। एंड ये सुपर सुपर ब्लेंडेबल है, आप देख सकते हो ये बहुत ही इवनली प्रॉपरली ब्लेंड हो गया है एंड आप डिफरेंस देख सकते हो आपके फेस को, ये इवन लुक इवन फिनिश प्रोवाइड कर देता है, एक सिल्की स्मूथ टेक्सचर आपके फेस के ऊपर ये क्रिएट कर देता है। अगर आपकी स्किन में रेडियंस नहीं है, रेडियंस की कमी है, एक शाइन नहीं है, आपकी स्किन में जो टाइटनेस होनी चाहिए वो नहीं नजर आती है तो आप डेफिनेटली इसे ट्राई कीजिए, क्योंकि इसे लगाने के बाद आपके फेस में एक हल्का सा रेडियंस नजर आता है, देन आपकी स्किन में एक इवन लुक प्रोवाइड हो जाता है, स्मूथ और सैटिन टेक्सचर आपके फेस के ऊपर इंस्टेंटली नजर आने लगता है। और अप टू 16 आवर्स तक आप इसे कैरी कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा लॉन्ग वेयर भी करने के लिए ये बेस्ट है। अगर आप कॉलेज गोइंग हो, ऑफिस गोइंग हो या फिर आप 30-25 प्लस भी हो और आपको डेली वेयर के लिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो ना कि ज्यादा हेवी हो या फिर आपके स्किन के ऊपर बहुत ही ज्यादा हार्म इफेक्ट डाले, ऐसा कोई प्रोडक्ट आप यूज नहीं करना चाहते हो तो इसे मस्ट बाय कीजिए, मस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि आपके
फेस के ऊपर बिल्कुल लाइट फिनिश दे देगा, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपने कुछ अप्लाई भी किया है, एज अ मॉइस्चराइजर या फिर आपकी एक डे क्रीम की तरह ही आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है एंड आपकी स्किन इसे अप्लाई करने के बाद भी ब्रीदेबल रहती है, आपकी स्किन के जो पोर्स है क्लोग नहीं होते हैं, आपकी स्किन ब्रीद कर पाती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मुझे इसके अंदर लगी तो वो ये है कि आपकी स्किन जो है बहुत हल्का फील करती है, उस वजह से आपको कुछ हैवी मेकअप आपने कैरी किया है ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। और जिस तरह से हम कॉलेज गोइंग हो या फिर ऑफिस गोइंग हो, हमें दिन भर कहीं पर स्टक होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके ऊपर अगर हम हैवी मेकअप अप्लाई कर ले तो एक मतलब हैवी फील होता है, एक इचिनस से फील होती है, हमारे स्किन भी ब्रीद नहीं कर पाती है और हमारे स्किन के ऊपर वो सिम्टम्स शो होने लगते हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद इन सारी चीजों को फेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद से 15 डेज से इसे यूज कर रही हूँ, डेली यूज कर रही हूँ। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे बस मतलब मॉर्निंग में इसे मैं अप्लाई करती हूँ और ऑल डे मेरा फेस जो है इवन लुक में, नो मेकअप लुक में जिस तरह से मैं कैरी करती हूँ उसी लुक में एज इट इज रहता है। और फ्रेश जो आप फेस देखना चाहते हो अपना खुद का, जिस तरह से कहीं अभी भी टचअप किया हो, वो फेस आपको इसके साथ मिल जाएगा। तो जरूर एक बार ट्राई कीजिए। बहुत कम मात्रा में आपको प्रोडक्ट यूज होता है आपका, तो अप टू 2 मंथ्स तक तो ये डेफिनेटली चल जाएगा, तो बजट के अंदर भी बैठ जाता है, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक अच्छा ब्रांड है लैक्मे, तो एब्सोल्यूट रेंज के सारे प्रोडक्ट मैं ट्राई करने वाली हूँ डेफिनेटली, और उसका रिव्यू आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो अगर आप इसे कैरी करते हो एब्सोल्यूट रेंज के साथ, यानी इसके ऊपर आप अप्लाई करते हो कॉम्पैक्ट, कोई भी लैक्मे का आप कोई भी यूज कर सकते हो, अदर भी, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ अगर आप एब्सोल्यूट रेंज के कोई प्रोडक्ट यूज करें तो आपको एक हल्की और लाइट फिनिश, आपको नो मेकअप वाला लुक मिल जाएगा इस प्रोडक्ट के डेफिनेटली। क्योंकि मैंने जब से इसे ट्राई किया है, मैं अदर कोई फाउंडेशन को कैरी करना नहीं चाहती हूँ डेली लुक के लिए। ये बहुत ही ज्यादा हाई कवरेज आपके फेस को बिल्कुल भी नहीं देगा, लेकिन हाँ एक स्मूथ सिल्की टेक्सचर आपके फेस को जरूर प्रोवाइड कर देगा। तो मस्ट बाय करिए, एक बार तो एक्सपीरियंस जरूर बनता है। और इसे अप्लाई करने के बाद कोई आपकी स्किन में इरिटेशन, पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक की स्किन तो अलग अलग होती है। तो मैं श्योरली तो ये नहीं कह सकती, मुझे तो खुद से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी मेरे फेस के ऊपर, लेकिन हर एक की स्किन टाइप अलग अलग होती है, तो आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिए। लेकिन एज अ क्लेम, प्रोडक्ट जो क्लेम करता है उस हिसाब से ऑल टाइप ऑफ स्किन के लोग इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको कोई भी फाउंडेशन जो है पैचो हो जाता है या फिर आपकी स्किन के ऊपर डल पड़ जाता है, डस्की हो जाता है, तो आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ये फाउंडेशन कंटेंट है लेकिन बहुत ही लाइट फॉर्मूला है फाउंडेशन का, तो ये ऑक्सीडाइज होने के चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर है, ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है किसी भी फेस के ऊपर। और अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो मॉइस्चराइजर के साथ आप इसे कैरी कीजिए। और इसका टेक्सचर जो है मिडिल कंसिस्टेंसी मैंने पहले ही बताई आपको, तो उस हिसाब से है, तो ये आपके फेस को ना तो ज्यादा ड्राई करेगा ना तो ज्यादा ऑयली करेगा, तो सारे स्किन टाइप के लोग इसे यूज कर सकते हो। देन मेल अगर यूज करना चाहे आपके लिए एक कोई अच्छी क्रीम, तब भी आप इसे यूज कर सकते हो, डेफिनेटली ट्राई करके देखिए। सुपर डुपर अच्छा लगा ये वाला प्रोडक्ट, मैं डेफिनेटली इसे कैरी करने वाली हूँ, ट्राई करने वाली हूँ और अगेन परचेज भी करने वाली हूँ। तो अगर आप भी चाहते हो इसे ट्राई करना, तो मेरे तरफ से तो डेफिनेटली रिकमेंडेशन है कि आप जरूर एक बार इसे ट्राई कीजिए। तो ये था मेरा इस प्रोडक्ट के रिलेटेड ओपिनियन। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं हमेशा बनाती रहती हूँ, मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड भी है, तो उन्हें भी चेकआउट जरूर कीजिए। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ, नया वीडियो, तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, उसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना जरूरी है। तो फटाफट से वो सारी चीजें कर लीजिए, फॉर्मेलिटीज जो हमें करनी है। देन आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर भी मुझे जरूर फॉलो कीजिए। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, खुद से प्यार करिए। लव यू गाइज, बाय।